हाय गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको बता लूँगा किस तरह आप लोग आईफोन व्हाट्सएप को नोटिफिकेशन आइकन उसके बाद लॉन्चर आइकन सब कुछ चेंज कर सकते हैं। जिस तरह आप लोग अभी देख सकते हैं BVD वाला मैंने किया, इस तरह मैं आप लोगों को इसका चेंज करके बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आप लोग ये सेटिंग कहाँ से मिलने की आपको ये भी बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने जाना है सेटिंग के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा FF मोड के ऊपर। आप लोग जैसे ही FF मोड के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर यूनिवर्स का ऑप्शन मिलेगा। यूनिवर्स में जाने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा स्टाइलिश लुक एंड फील का ऑप्शन। ये आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा फोन स्टाइल। आप लोग फोन अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर लॉन्चर आइकन को चेंज करना चाहते हैं तो लॉन्चर आइकन यहाँ से आप लोग कोई भी सिलेक्ट करना चाहें, आप लोग इजीली जस्ट उसके ऊपर क्लिक करिएगा और वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे आइकन मिले तो मैं यहाँ से ये आइकन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस आइकन को सिलेक्ट करने के बाद न्यू आइकन आप लोगों को चेंज हो जाएगा। तो उसके चेंज होने की आप लोगों को मैं चेक करा देता हूँ प्रूफ के तौर पर। यहाँ पर आप लोग जैसे आइकन मिलेंगे आप लोग देख सकते हैं आप लोग FM व्हाट्सएप का आप लोगों को जो लॉन्चर आइकन है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह ही आप लोग यहाँ से सेटिंग से आप लोग इसका नोटिफिकेशन आइकन भी चेंज कर देते हैं। इसलिए सेम आपको अपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, FM मोड के ऊपर जाना है। FM मोड के ऊपर जाने के बाद यूनिवर्सल में जाने के बाद स्टाइल एंड लुक एंड फील के ऊपर जाना है। जैसे आप लोग स्टाइल एंड लुक एंड फील के ऊपर जाएंगे यहाँ पर चाहिए नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ से आप लोग कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप लोग डन करना और आप लोगों का नोटिफिकेशन आइकन चेंज होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।